Assalam-o-Alaikum, uh, students. I am Mohammad Sood. Uh, it is class number six of Introduction to Computer Programming with C Language. Uh, today, topics are uh, number one, data types of C language and format specifier. Number two, variables and constant. Number three, input and output function. Uh, basically, we um, have uh, topics here, uh, data types of uh, C language and uh, format specifier. वेरेबल एंड कॉन्स्टेंट यह हम टॉपिक पढ़ चुके हैं आज हम इसको प्रैक्टिकली uh, बकायदा परफॉर्म करके देखेंगे कि किस तरह से डे टाइप्स यूज होती हैं सी लैंग्वेज के अंदर उनका फॉर्म स्पेसिफाई क्या होता है और uh, उनको किस तरह से वेरेबल एंड कॉन्स्टेंट्स की फॉर्म में लिखा जाता है कैसे वेरेबल uh, या कॉन्सटेंट्स क्या होते हैं और uh, इनको जो है इनपुट आउटपुट फंक्शन के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं या इनपुट आउट फंक्शन कैसे इस्तेमाल किया जाता है तो हम तकरीबन जो प्रोग्राम बनाएंगे उसमें ये तमाम चीजें जो है प्रैक्टिकली हम वो करके दिखाएंगे और ये टॉपिक जो है उसके अंदर मौजूद होंगे <coughs> तो उससे पहले थोड़ा सा दिख लेते हैं डेटा टाइप्स ऑफ सी लैंग्वेज क्या है थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं आपको जैसे का मालूम है डेटा जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का होता है चूंकि कंप्यूटर जो है सारा काम डेटा पे कर रहा होता है तो किस तरह से हम uh, कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा स्टोर करते हैं uh, टेम्प्रे तौर पर तो उसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो इस तरह से इंटीजर है करैक्टर है फ्लोट है डबल है लॉन्ग इंटीजर है शॉर्ट इंटीजर है अनसाइन इंटीजर है लॉन्ग अनसाइन लॉन्ग इंटीजर है अनसाइन करैक्टर है लॉन्ग डबल है इस तरह से ये तमाम क्या है डिफरेंट टाइप्स हैं बिल्कुल उसको इस तरह समझ लीजिए कि मुझे अगर कोई नोमरिक वैल्यू स्टोर करनी है वन uh, हंड्रेड या वन या टू या फाइव uh, तो uh, इसको कैसे स्टोर किया जाएगा या अगर मुझे कोई वैल्यू स्टोर करनी है सेवन पॉइंट फाइव एट पॉइंट फाइव नाइन पॉइंट फाइव तो इसको कैसे किया जाएगा क्योंकि इसमें देखें डेसिमल पॉइंट है और इंटीजर uh, में जो है वो uh, जो दूसरे नंबर uh, है सिंपल वन टू थ्री जिसमें डेसमल पॉइंट नहीं होते तो उसे कैसे यूज करेंगे या या कभी ऐसा होता है कि हमें कोई uh, कोई नाम स्टोर करना है आ, अली है इमरान है आसिफ है कोई भी ऐसा डेटा जो कि ताल्लुक नॉन नमेरिक हो तो वो किस तरह से स्टोर करते हैं उसकी टाइप क्या होगी तो ये सब उन, 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 बेसिकली उन, ये डिफरेंट टाइप्स हैं तो आज हम प्रैक्टिकली जो है हम इसको करके दिखाते हैं कि किस तरह से आप इसको करोगे आप ठीक है सी लैंग्वेज के आई डी के अंदर तो करना क्या आपने सबसे पहले जो है आप अपने टर्बोसी जो आपका आई डी मैंने आप रन कर लीजिए ठीक है आप देखें अपने आईडी के अंदर आ गए तो आपने यहाँ पर काम करना है सारा तो बाय डिफॉल्ट जो फाइल का नाम है वो नेम जीरो जीरो डॉट सी पी पी है ठीक है सबसे पहला काम तो ये करें कि अपनी फाइल को सेव कर लीजिए जिस नाम से आप फाइल बनाना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ उसका नाम मैं रखना चाहता हूँ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन तो आप सेव कीजिए और इसका इसको सेव इस तरह से कीजिएगा कि ये जो नाम लिखा हुआ है नो नेम जीरो ज़ीरो सी पी पी ग्रीन कलर में पहले आप राइट right एरो से इसको पहले क्लिक कर लें उसके बाद बैक स्पेस से ये नाम मिटा दीजिए और मिटाने के बाद यहाँ पर आप नाम दे दीजिए स्टूडेंट एस टी यू आई एन एफ ओ ठीक है इसका शॉर्ट फॉर्म है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन याद एक बात याद रखिएगा जब भी फाइल का नाम रखिएगा वो एट करेक्टर तक रखिएगा क्लियर अब इसको आप एंटर कर दीजिए तो ये आपने फाइल का नाम रख दिया एस टी यू आई एन एफ ओ डॉट सी पी पी ने ये नाम लिखा हुआ आ गया अब हम प्रोग्राम लिखते हैं बकायदा और प्रोग्राम किस तरह से लिखते हैं या इसका प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट क्या है पहले मैं आपको समझाता हूँ पहला काम तो जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से लिख लीजिए आप मैं प्रोग्राम की लिस्ट के अंदर एक कमेंट्स के तौर पर लिखना चाहता हूँ उसको कमेंट्स कैसे लिख, लिखते हैं आप फॉरवर्ड स्लैश स्लेशरिक अब यहाँ पर लिख दीजिए आप राइट ऑफ प्रोग्राम टू इनपुट स्टूडेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर और कीबोर्ड एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन और आखिर में आप स्टेरिक और वापस uh, आप फॉरवर्ड स्वर्च लगा दीजिए यह आपने क्या लिखा है सिर्फ प्रोग्राम का आपने एक ऑब्जेक्ट लिखा है प्रोग्राम के अंदर ही लिखा है और उसको एज ए कमेंट्स के तौर पर लिखा है ताकि जो भी इस प्रोग्राम की लिस्ट को देखेगा तो ये ऑब्जेक्ट देख कर वो समझ जाएगा कि प्रोग्राम का मकसद बे या बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है क्लियर हो गई बात अच्छा उसके बाद मैं चाहता हूँ ये जो ब्लू स्क्रीन है जो आप, जो टेक्स एडिटर है ये फुल स्क्रीन मैं इसको इस्तेमाल कर सकू तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या है वो है F5 आप F5 प्रेस करेंगे तो आपकी जो ब्लू स्क्रीन है टेक्स एडिटर का जो एरिया है वो जूम हो जाएगा और आप फुल फुल स्क्रीन में उसको आप देख पाएंगे क्लियर अच्छा अब मुझे प्रोग्राम लिखना है जैसा कि आप जानते हैं प्रोग्राम का जो सी लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है पहले आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखनी पड़ती है आपको हैश इनक्लूड कोच हैश एस टी डी आई ओ डॉट एच याद रखिएगा ये दो जस्ट लाइक लाइब्रेरीज हैं यानी हेडर फाइल्स हैं जिसके अंदर जो हम फंक्शन इस्तेमाल करेंगे सी लैंग्वेज के अंदर तो वो जो फंक्शन उनकी जो लाइब्रेरीज है या उनकी जो फंक्शन की डेफिनेशन या प्रोटाइप है वो इन हेडर में होती है तो इसलिए इन दोनों हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना ज़रूरी है ओके अच्छा अब यहाँ पर आप वाइड लिखिएगा मेन फंक्शन लिखेंगे यह आपका मेन फंक्शन है या आपका कलर ब्रैकेटीटर है स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है क्लोज हो रहा है जितने भी आप इंस्ट्रक्शन लिखेंगे सी लैंग्वेज की वर्ड कह लीजिए कह लीजिए या जो भी प्रोग्राम लिखेंगे वो इन बिटवीन द ब्रैकेट्स आप लिखोगे आप ठीक है अब यहाँ पे आप क्या करते हो सिंपल एक <coughs> कुछ वेरिएबल्स हम चूंकि हमने इनपुट लेने हैं तो उनके लिए हम क्या करेंगे वेरिएबल डिलीवर करेंगे तो किस तरह से करेंगे like हम जस्ट लाइक हमने कहा इंटीजर और यहाँ पर ले लियाडी ठीक है बल्कि चूंकि हम आई जो देंगे वो उसमें अल्फाबेट भी होंगे उसमें नंबर भी होंगे इसलिए हमने इसके जो टाइप रखी है वो करेक्टर रखी है और कितने करेक्टर का यूजर आईडी हो सकता है वो हम डिफाइन कर रहे हैं तकरीबन थर्टी फाइव करेक्टर तक हो सकता है ओके उसके बाद फिर हमने एक और टाइपली करेक्टर और अब हम रखना चाहते हैं जस्ट लाइक लीजिए उसका नाम रखना चाहते हैं तो हमने लिख दिया एन ए एम ई लीजिए एस टी यू नेम ठीक है जनाब तो ये क्या हो गया उसका स्टूडेंट का नाम है उसके लिए हमने वेरिएबल ले लिया एस टी यू नेम और इसकी जो डिफाइन की वो भी हमने तकरीबन थर्टी करेक्टर डिफाइन हमने कर दिया उसके बाद हम चाहते क्या हैं कि उसकी एज इनपुट लें तो एज के अंदर जो हम इनपुट देंगे वो जस्ट जैसे like, हम 19 ईयर ट्वेंटी 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 फाइव देंगे इसमें सिर्फ नंबर देना चाहते हैं वो भी इंटीजर्स हम उसमें पॉइंट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसकी जो डेटा टाइप होगी वो होगी इंटीजर इंटीजर ले लीजिए और यहाँ पे क्या लिखा आपने एज उसके बाद आपने क्या किया फिर आपने एक और आ, नेकेट वेरिएबल लेना चाहते हैं या मालूम करना चाहते हैं उसकी हाइट कितनी यानी वो अपनी हाइट इनपुट करना चाहता है तो उसके लिए हम एक आ, टाइप यूज कर रहे हैं फ्लोट चूंकि हाइट के अंदर हम देंगे टू पॉइंट फोर फाइव पॉइंट फोर या फाइव पॉइंट सिक्स यानी पॉइंट में वैल्यू देना चाहते हैं डेसीमर पॉइंट के अंदर तो उसके लिए हम आ, जो है आ, जो डेटा यूज कर रहे हैं वो फ्लोट कर रहे हैं और यहाँ पर हमने जो है आ, आ, जो जो वेरिएबल लेंगे वो एच ई आई जी एस टी हाइट के नाम से एक वेरिएबल ले लिया ओके okay? तो ये दो जो वेरिएबल है याद रखिएगा इंटीजर और फ्लोट ये न्यूमेरिक टाइप के वेरिएबल हैं और जो करेक्टर है ये स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स हैं इस बात को जहन में रखिएगा आप क्लियर और इन दोनों में जो uh, करेक्टर के अंदर जो लेंथ रखी हमने वो थर्टी फाइव करेक्टर और थर्टी uh, करेक्टर uh, का नाम हम नाम जो है वो इनपुट कर सकते हैं तो इस तरह से हमने क्या किया कि ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, ओके उसके बाद हम करते क्या है कि सी एल आर एस सी आर एक फंक्शन यूज किया किस काम के लिए ताकि जब प्रोग्राम चले तो आपकी स्क्रीन की वजह पहले क्लियर हो जाए ओके तो सी एल आर एस सी आर एक फंक्शन है जिसका काम है स्क्रीन को क्लियर करना और ये फंक्शन जो है कोनियो डॉट एच के अंदर आ, आ, इस, इसकी जो प्रोटाइप है या इसकी जो डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन है वो सब कोनी डॉट एच के अंदर होती है क्लियर अच्छा उसके बाद हमने यहाँ लिखा मतलब मैसेज देना चाहते हैं कि प्रिंट एफ जब भी कोई मैसेज प्रिंट करेंगे डेटा तो उसके लिए हम जो आउटपुट फंक्शन है वो कौन सा है प्रिंट एफ और यहाँ हमने लिख दिया एंटर यूजर या स्टूडेंट uh, आईडी और डबल क्वेश्चन क्लोज किया सेमिकॉन लगा दिया उसके बाद हम इनपुट लेना चाहते हैं अच्छा इनपुट लेने के लिए जो फंक्शन सी लैंग्वेज में है वो है स्कैन एफ क्लियर और इसको लिखने का अंदाज ये है कि राउंड ब्रैकेट लिखेंगे आप फिर डबल क्वेश्चन देंगे आप फिर उस डेटा uh, टाइप uh, के मुताबिक जो फॉर्मेट स्पेसिफाइ वो प्रोवाइड करेंगे चूंकि वो करेक्टर स्ट्रिंग है तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे पर्सन एस स्ट्रिंग के लिए हमेशा याद रखिएगा पर्सन एस इस्तेमाल करते हैं अगर एक करेक्टर होता है तो पर्सन सी अगर बहुत सारे करेक्टर हैं तो उसके लिए पर्सन एस उसके बाद डबल कोटेशन क्लोज करेंगे कॉमा लगाएंगे फिर एंड पर्सन देंगे दोबारा से और उसके बाद आप क्या करोगे उस वेरिएबल का नाम दोगे जिसमें आपने डेटा टेम्प्रेरी तौर पर स्टोर करना है उस वेरिएबल का नाम है यूजर आईडी, ओके उसके बाद फिर आप लिखेंगे प्रिंट एफ अब मुझे उसका नाम इनपुट लेना है तो इसी तरह से प्रिंट एफ लिखा राउंड ब्रैकेट डबल कोटेशन ओपन किया उसके बाद लिखा मैंने स्टूडेंट नेम और यहां पर हम जो है नेम इनपुट करेंगे ठीक है उसके लिए भी इस का फंक्शन यूज किया आपने और जो फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज करेंगे पर्सन एस और एड्रेस एंड पर्सन का साइन और उसके बाद जो वेरिएबल का नेम है वो है एस टी यू नेम और राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सेमी कॉलम लगाएंगे हर स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए क्या यूज करोगे आप सेमी कॉलम अच्छा उसके बाद ये दो चीजें इनपुट हो गई अब तीसरी चीज इनपुट करनी है एज तो उसको कैसे करोगे आप प्रिंट एफ एंटर स्टूडेंट एज आप इनपुट ले लीजिए और इसके अंदर भी आप स्कैन एफ फंक्शन यूज करेंगे आप और जो Uh, इसका जो फॉर्म स्पेसिफायर इंटीजर का वो परसेंट डी होता है याद रखिएगा परसेंट डी भी समा कर सकते हैं और परसेंट आई भी समा कर सकते हैं ठीक है जो चार्ट मैंने दिया हुआ है कम्प्लीटली डेटा टाइप्स का तो वहां देख लीजिएगा परसेंट डी भी लिखा हुआ है और परसेंट आई भी पॉसिबल है इंटीजर के लिए ओके okay? उसके बाद डबल क्वेश्चन क्लोज करेंगे कॉमे का साइन लगाएंगे एंड परसेंट लिखेंगे और इसके बाद आप लिखोगे उस वेरिएबल का नाम जिसमें आपने डेटा स्टोर करना है वो वेरिएबल है एज ओके okay, जनाब उसके बाद फिर आप लिखन, लिखना है प्रिंट एफ किस चीज के लिए उसके हाइट इनपुट करने के लिए तो प्रिंट एफ राउंड ब्रैकेट ओपन कीजिए डबल डबोक्रेशन ओपन कीजिए उसमें मैसेज लिख दीजिए आप एंशर स्टूडेंट हाइट और यहाँ पर भी आप इनपुट लेने के लिए स्कैन एफ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और परसेंट यहाँ पर एफ देंगे क्योंकि डेटा एप्स की क्या फ्लोट में है

Uh, पहले uh, एक स्टेप uh, जितना ये जिस प्रोग्राम लिखा है मैं इसको चला के दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट देखें क्या आएगा ओके okay? सिर्फ ये आपसे इनपुट लेगा और जो डेटा आप इनपुट uh, करोगे वो मेमोरी के अंदर क्या हो जाएगा टेम्प्रेरी uh, तौर तो पर स्टोर हो जाएगा तो प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं जैसा कि आप जानते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आप एक जो शॉर्टकट की यूज करते हैं वो है कंट्रोल एफ नाइन क्लियर तो आप कंट्रोल एफ नाइन प्रेस कीजिए इससे क्या होगा प्रोग्राम कंपाइल भी होगा प्रोग्राम लिंक भी होगा यानी उसकी ई फाइल बनेगी और उसके बाद प्रोग्राम जो है वो रन होकर स्क्रीन पर आपको नजर भी आएगा कंट्रोल एफ प्रेस कीजिए तो देखें यहाँ पे आपसे इनपुट ले रहा है इंटर स्टूडेंट आई ठीक है अब आई आपने दी सपोज करें ए आई टी डैश टू थाउजेंड ट्वेंटी डैश सी आई टी डैश एम डैश और जो रोल नंबर है सपोज करें वन ट्वेंटी थ्री एट अलीगढ़ ये उसका क्या हो गया आईडी हो गया जो आप जो भी स्टूडेंट का आप आई देना चाहते हैं एंटर कीजिए अब वो आपसे इनपुट ले रहा है स्टूडेंट नेम तो नाम इनपुट दे दीजिए यहाँ पर आप आसिफ और उसके बाद आपने पूछा स्टूडेंट एज अब जो कंप्यूटर uh, जो डेटा uh, इनपुट ले रहा है वो उसकी एज इनपुट लेना चाह रहा है तो यहाँ पे आप इनपुट एज इनपुट कर दीजिए फॉर एग्जाम्पल एटीन एंटर कीजिए उसके बाद वो आपसे इनपुट ले रहा है कि उसकी हाइट क्या है आपने हाइट दे दी फाइव पॉइंट फोर ओके अच्छा एक बार याद रखिएगा कि फाइव पॉइंट फोर आपने यहाँ पे लिखा है डेसिमल पॉइंट के अंदर लेकिन जब इसका आउटपुट आएगा तो याद रखिएगा डेसिमल के बाद वो सिक्स डेसिमल पॉइंट वो ऑटोमेटिक देगा तो फोर एक uh, uh, एक डेसिमल पॉइंट हो जाएगा उसके बाद बाकी वो जीरो 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 खुद ऑटोमेटिक ऐड कर देगा है अभी तो फ्लैट डिस्प्ले नहीं होगा अभी तो सिंपल ये इनपुट ले रहा है तो अभी आप जैसे एंटर करेंगे तो प्रोग्राम के नीचे अब कोई इंस्ट्रक्शन लिखी हुई नहीं है ना आखिरी जो आपने कमांड लिखी थी स्कैन कि इनपुट हाइट के लिए तो उसके बाद प्रोग्राम के नीचे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो जाएगा और कंट्रोल जो है आपका वो वापस अप, आपके आई के अंदर आ जाएगा क्लियर तो आप देखें जैसे इंटर करेंगे प्रोग्राम क्लोज हो गया और वापस कहां गए आप अपने आई डी में वापस आ गए ठीक है तो ये एक सिंपल प्रोग्राम था जो कि मैंने आपको सिंपल इनपुट करके बताया अभी आपको अच्छा अगर आप सपोज करें आप सपोजना जो आउटपुट है वो देखना चाहते हैं मतलब जो अभी आपने प्रोग्राम रन किया था उसकी जो जो भी लास्ट टाइम आपने इनपुट किया है तो वो अगर आउटपुट देखना चाहें तो जैसा कि जानते हैं कि ऑल्टर एफ फाइव से आप स्क्रीन का आउटपुट जो प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर तो आप ऑल्टर एफ फाइव प्रेस कीजिए तो देखें आपके पास जो आपने अभी प्रोग्राम रन हुआ था उसका जो आउटपुट है फिलहाल आपको नजर आ रहा है ये जो आउटपुट है याद रखिएगा ये आउटपुट स्क्रीन तो है लेकिन ये आउटपुट स्क्रीन में जो आ, प्रोग्राम आपको रन होता हुआ नजर आया इसमें उसने डेटा आपसे क्या किया इनपुट लिया है ओके okay? अभी उसने आ, इन डेटा को डिस्प्ले नहीं किया है क्लियर तो अब हमने करना क्या है इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करना है और इनपुट लेने के बाद ये तम, जो तमाम वैल्यू हमने इनपुट लिए है इनको डिस्प्ले करके भी दिखानी है ओके okay? तो अब आप क्या करोगे इसके आगे स्पेस इस बार प्रेस कीजिए प्रोग्राम में आप वापस आ गए अब आपने करना क्या है प्रोग्राम का जो आपने डेटा इनपुट लिया है जो यूजर की इंफॉर्मेशन आपने इनपुट ली है उसको आपने डिस्प्ले भी करना है ऑन द स्क्रीन किस तरह से करेंगे तो डिस्प, डिस्प्ले करने के लिए जो आपके पास फंक्शन है वो है क्या प्रिंट और आप लिखोगे के स्टूडेंट आईडी डी इस और यहां पर आप लिख दीजिए पर्सन एस और उसके बाद यहाँ पर जो वेरिव कॉमे के बाद आप वेरिएबल का नाम देंगे वेरिएबल का नाम था यूजर आईडी और राउंड ब्रेकोज कर देंगे और सेमी कॉलर आप ये इस बात को नोट कीजिएगा कि ऊपर जो आपने प्रिंट एफ लिखा था इसमें सिंपल आपने प्रिंट एफ लिखने के बाद आपने सिंपल एक मैसेज प्रिंट किया था एंटर स्टूडेंट हाइट या ऊपर आपने देख लीजिए यहाँ लिखा था आपने एंटर स्टूडेंट आई क्लियर तो इस इस वक्त देखा जाए तो आपने प्रिंट में सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करवाया था लेकिन यहाँ प्रिंट एफ के अंदर आप क्या कर रहे हो कि मैसेज के साथ साथ यानी प्रिंट एफ आपने कहा स्टूडेंट आईडी डी और इस मैसेज के साथ आपने दिया है पर्सन एस और यहाँ पे आपने वो वेरिएबल उसका डबल डेन क्लोज किया है और कॉमे के बाद वो वेरिएबल दिया है जिसमें डेटा आपका टेम्परे तौर पर मेमोरी में स्टोर है क्लियर तो यूजर आईडी जो आपने दी थी वो आईडी क्या हो जाएगी पर्सन एस की जगह पे एस पर डिस्प्ले हो जाएगी यानी पर्सन एस स्क्रीन पर नजर नहीं आएगा बल्कि उसकी जगह पर उसकी यूजर आई डिस्प्ले होगी क्लियर तो अब इसको जब प्रोग्राम को चला के देखेंगे तो आप देखिएगा कि यहां पर उसकी यूजर आई डिस्प्ले हो जाएगी उसके बाद क्या करना है आपने? आपने दूसरी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है और इसका नाम डिस्प्ले करना है तो आपने कह दिया वेलकम uh, और यहाँ पर पर्सन एस लिखा आपने और उसके बाद आपने उसका यूजर उसका जो वेरिएबल था वो था स्टूडेंट एस टी यू नेम क्लियर ये उसका वेरिएबल नेम है तो यहां पर जो भी नाम दिया था वो नाम जो है पर्सन एस की जगह पर प्रिंट हो जाएगा तो ये बात जहन में रखिएगा ऊपर जो है आईडी प्रिंट होगी और यहां पर जो है नेम प्रिंट हो जाएगा जो भी आपने नाम इनपुट दिया होगा उसके बाद माय एज इज मैसेज लिखा आपने और उसके बाद जो भी उसकी एज है उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं चूंकि डेटा आपने इंटीजर में लिया था तो परसेंट डी लिखेंगे आप और इसके बाद आप यहाँ पे दे देंगे उस वेरिएबल का नाम ए जी ई -E, यानी के एज, ओके और उसके बाद आपने प्रिंट करना है आ, उसकी हाइट तो आप लिख सकते हैं माई हाइट इस और इसके बाद चूंकि पर्सन ने फ्लोट में आपने उसकी जो टाइप्स आपने चूज की थी वेरिएबल की तो आप पर्सन ऐप लिखेंगे और फिर कॉमे के बाद के बाद आप उस वेरिएबल का नाम दे देंगे हाइट एच ई आई जी एच टी हाइट क्लियर तो ये अब आपका प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो गया है आपने पहले डेटा आपने इनपुट किया और उसके बाद आपने वैल्यू क्या कर दिया आपने डिस्प्ले कर दी लाइन बाई लाइन अच्छा इसका अब आउटपुट कैसे आएगा उसको जरा हम देखते हैं जरा क्लियर प्रोग्राम को जरा एक्सिक्यूट करते हैं किस तरह से करेंगे दोबारा से शॉर्टकट की मैं आपको बात बता रहा हूँ कंट्रोल एफ नाइन ठीक है अब यहां पे उसने पूछी आपसे आईडी अब सपोज क्या आप आईडी देते हैं ए आई टी टू थाउजेंड ट्वेंटी सी आई टी मॉर्निंग उसके बाद उसका जो कोड नंबर रोल नंबर है वन ट्वेंटी थ्री एट द रेट अलीगढ़ डॉट ई डी यू डॉट पी के एंटर कीजिए उसके बाद वो पूछे आपसे स्टूडेंट का नाम अब यहाँ पे आप नाम इनपुट कीजिए नाम आपने दिया आसिफ अब आपसे पूछ रहा है आपसे उसकी एज कितनी है आपने एज दे दिया आपने सपोज करें 18 इयर्स उसके बाद अच्छा 18 सिर्फ लिखेंगे एयर नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने सिर्फ इसको नोमेरिक में देना है इंटीजर में देना है नंबर यानी वन आ, कोई भी नंबर दे सकते हैं डिजिट नंबर और उसकी जो रेंज है वो तकरीबन सुन लीजिए बत्तीस बत्तीस हजार तक की वैल्यू आप दे सकते हैं यानी थर्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी सेवन तक की वैल्यू आप इनपुट कर सकते हैं इंटीजर के अंदर ये इस बात को याद रखिएगा फिलहाल हमने यहाँ पे लिखा एटीन और इसमें आप कोई और करेक्टर इस्तेमाल नहीं करेंगे एंटर कीजिए आप अब वो पूछे आपसे हाइट चूंकि हाइट आपने फ्लोट डेटा टाइम में इनपुट करनी है तो यहाँ पे आप लिख देंगे फाइव या टू जो भी आप चाहते हैं उसकी हाइट हो गई जैसे ही एंटर करेंगे आप तो याद रखिएगा वो उसके जो बाकायदा आउटपुट का प्रोग्राम लिखा है वो आउटपुट डिस्प्ले करेगा और करने के फौरन बाद जो है आई डी इन्वायरमेंट में चला जाएगा तो उससे आपको उसका आउटपुट सही तरह से नजर नहीं आएगा देखें चेक करके एंटर करके देखें आप ठीक है देखें क्या हुआ उसका आउटपुट आया होगा लेकिन आने के बाद वो फौरन में आ गया आई डी के अंदर वो आ गया प्रोग्राम का उसने आउटपुट कंप्लीटली नहीं दिखाया तो अगर प्रोग्राम का आउटपुट देखना चाहते हैं तो आप क्या करोगे आप ऑल्टर एफ फाइव प्रेस कीजिए तो ये आपका आउटपुट आपके स्क्रीन पे आ गया है किस तरह से आ गया है? जरा सा गौर से देख रहे हैं आप जब आपने फाइव पॉइंट थ्री लिख के आपने एंटर किया तो नीचे स्टूडेंट आई डी ए आई टी टू ट्वेंटी अलीगढ़ डॉट ई डी डॉट पी के ओके फिर उसी लाइन के ऊपर यानी कर्सर नीचे नहीं आया बल्कि उसी लाइन के ऊपर लिखा वेलकम इज आसिफ देख लीजिए आप ठीक है और फिर के आगे लिखा हुआ है माई एज इज एटीन और माय हाइट इज 5.300000 ये बात याद रखिएगा फ्लोटिंग फ्रो, डेटा टाइप के अंदर डेसिमल के बाद वो सिक्स डेसिमल पॉइंट लेता है नंबर यानी कि डिजिट लेता है और चूंकि आपने इनपुट किया था 5.3 उसके बाद बाकी जीरोज मैंने खुद ऐड कर दिए ठीक है थीके? हम चाहें तो आ, इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि डेसिमल के बाद दो डेसिमल पॉइंट आने चाहिए या तीन आने चाहिए हम कर सकते हैं कैसे करेंगे मैं मैं आपको भी चेंज करके दिखाता और दूसरी बात कि जो आउटपुट आया चाहता चाहता तो तो पहला काम तो ये करना है चूंकि आप चाहते क्या है कि सबसे पहले कि हर, जो वो अलग अलग लाइन पे आए उसके लिए क्या करोगे आप? एस के बाद लास्ट के अंदर आप बैक स्लैश एन एक स्केच सिक्वेंस कहलाता है

पूरा प्रैक्टिकल करके मैं दिखाऊंगा अभी आपको अभी फिलहाल एन का जो काम है ना उसको डिस्प्ले करके दिखा दे दूसरी बात यह है कि जो पर्सन एफ के अंदर जो डेसिमल पॉइंट थे वो सिक्स डेसिमल पॉइंट आ रहे थे उसको अगर आप बाउंड करना चाहते हैं टू डेसिमल के अंदर या थ्री डेसिमल के अंदर तो यहाँ पर आप पॉइंट uh, टू कर दीजिए आप क्लियर याद रखियेगा पॉइंट टू लिखा हुआ मैंने और उसके बाद एक काम और कीजिए चूंकि आउटपुट और इनपुट में मैं चाहता हूँ थोड़ा गैप ज्यादा हो जाए तो आप स्टूडेंट आई डी यहाँ शुरू के अंदर आप बैक स्लैश एंड बैक स्लैश एंड टू टाइम्स कर लीजिए ताकि जो आउटपुट आए वो दो लाइन के गैप के बाद डिस्प्ले हो क्लियर तो याद रखिए बैक स्लैश एंड आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका मकसद ये होगा कि उस लाइन वहां के बाद जो है वो कर्सर जो है वो न्यू लाइन के ऊपर क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा इस बात को जहन में रखिएगा ओके अब प्रोग्राम को दोबारा अच्छा एक और चीज हम करके देखते हैं कि प्रोग्राम का आउटपुट जो आ गया था आने के बाद हमने अल्ट्रा एफ फाइव प्रेस किया था तब जाके हमें आउटपुट स्क्रीन नजर आई थी अगर हम ये चाहते हैं कि आउटपुट स्क्रीन हमें नजर आती रहे जब तक कैंडल कोई की प्रेस ना करें तो सबसे लास्ट के अंदर आप एक इंस्ट्रक्शन और लिख दीजिए वो इंस्ट्रक्शन है गेट ची की इससे क्या होगा कि प्रोग्राम जो है जो आउटपुट है वो आने के बाद रुक जाएगा इस जगह के ऊपर और उस वक्त तक प्रोग्राम का आउटपुट आप इजीली देख सकते हैं जब तक आप कीबोर्ड से कोई की जो है प्रेस नहीं करेंगे अब आपने प्रोग्राम लिख दिया इसको आप सेव कर लीजिए शॉर्टकट की एफ टू है एफ टू प्रेस किया प्रोग्राम सेव हो गया है कंट्रोल एफ नाइन से इसको दोबारा से कंपाइल कीजिए और इसको रन कीजिए तो देखें क्या होता है देखें अब प्रोग्राम दोबारा से एग्जीक्यूट हो गया आपसे आईडी पूछ रहा है अब आप आईडी दोबारा से एंटर कीजिए ठीक है ये आपने आईडी इंटर कर दिया आपने एंटर कीजिए अब वो आपसे इनपुट लेना चाहता है उसका नाम दें। तो नाम आपने इनपुट कर दिया आपने आसिफ उसके बाद आपसे इनपुट ले रहा है वो एज आप एज दे दीजिए सपोज करें 18 और उसके बाद हाइट है 5.7 पॉइंट सेवन अब आप एंटर कीजिए तो देखें आपकी जो आपका जो आउटपुट है वो अलग अलग लाइन पे डिस्प्ले हो रहा है यानी स्टूडेंट आईडी डी इज दिस वेलकम इज आसिफ माय एज इज 18 माय हाइट इज 5.70 पॉइंट सेवन जीरो क्लियर हो गई बात अच्छा मैं ये चाहता हूँ कि एटीन के बाद एयर भी लिखा हुआ आ जाए पॉसिबल है वो आप कर ही सकते हैं कि पर्सन एस के बाद डी के बाद जहां पे आपने एज डिस्प्ले किए उसके बाद आप एयर कॉन्स्टेंटली लिख दीजिए तो वहां पे वो एयर भी लिखा हुआ आपको आ जाएगा तो उम्मीद करता हूँ ये आप आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा कि प्रोग्राम कैसे आपने लिखना है एक बात का ख्याल कीजिएगा स्ट्रिंग टाइप्स के अंदर जब आप डेटा इनपुट करते हैं आसिफ इनपुट कर रहे हैं या आप जो भी आईडी इनपुट करेंगे इस बात का ख्याल कीजिएगा उसमें स्पेस या कॉमा इस्तेमाल मत कीजिएगा क्लियर क्योंकि स्पेस और कॉमे का मतलब यह है कि वो ये समझेगा कि आ, कि ये जो डेटा है ये आपका यहाँ पर टर्मिनेट हो गया है अब जो दूसरा डेटा है वो आ, दूसरे वेरिएबल्स के लिए वो इनपुट समझेगा तो याद रखिएगा जब भी नाम देंगे स्कैनएफ के अंदर स्कैन एफ के जब आप नाम देते हैं कोई भी तो उसमें टू स्पेस आप शामिल नहीं करेंगे और कॉमा शामिल नहीं करेंगे अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि अगर आप ये कहते हो कि मैं कोई ऐसा नाम देना चाहता हूँ लाइक आसिफ अहमद या इमरान खान तो इसमें तो स्पेस आएगा तो याद रखिएगा फिलहाल के अंदर आप इमरान खान या आसिफ अहमद इस तरह का नाम आप नहीं दे सकते इस बात को जहन में रखिएगा ठीक है क्या प्रॉब्लम होगी वो मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ फिलहाल प्रोग्राम को दोबारा से रन कीजिए सपोज करें आप स्टूडेंट आईडी दे रहे हैं आप आपने आईडी डी दे दी सपोज करें ए आई टी डैश टू थाउजेंड ट्वेंटी आपने स्पेस इनपुट कर दिया क्लियर और अब यहाँ पे आप इनपुट दे रहे हो जस्ट uh, लाइक like, uh, आपने कहा सी आई टी डैश एम डैश वन ट्वेंटी थ्री उसके बाद आपने कहा एट दी रेट अलीगढ़ डॉट ई डी यू डॉट पी के जैसे ही आप एंटर करोगे तो देखिए आप उसने आपसे नेम इनपुट नहीं लिया क्लियर हुआ ये ए आई टी टू थाउजेंड ट्वेंटी उसने आई डी के अंदर इनपुट ले लिया बाकी सी आई टी के बाद जो भी आपने लिखा हुआ है वर्ड वो वर्ड जो है वो नेम वेरिएबल में स्टोर हो गया है और अब उसके बाद वो जो नेक्स्ट डेटा है यानी कि एज आपसे इनपुट ले रहा है अब आप एज दे दीजिए सपोज करें एटीन ईयर्स और हाइट दे दीजिए फाइव पॉइंट टू तो देखे इसका आउटपुट क्या आता है आउटपुट देखें क्या आ रहा है कि आईडी के अंदर सिर्फ उतनी ही आईडी आ रही है जहां तक स्पेस स्पेस था और स्पेस के बाद जो सेकंड वर्ड है वो किस में चला गया वो दूसरे वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो गया और वहां पर उसने डिस्प्ले कर दिया जबकि वहां पर उसने नेम इनपुट लेना था क्लियर हो गई बात तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि स्कैनफ के अंदर जब आप कोई स्ट्रिंग डेटा इनपुट करेंगे तो उसमें स्पेस या कॉमा इस्तेमाल नहीं करेंगे इस बात का ख्याल कीजिएगा

वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं मैंने वो भी आपको करके दिखा दिए इसमें करेक्टर जो डेटा है वो में वो भी मैंने आपको इनपुट करके बताया है और जो इंटीजर टाइप है वो भी आपने इनपुट करके देख लिया है और जो फ्लोटिंग वैल्यूज है यानी कि डेसिमल पॉइंट अगर इनपुट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है आपने जो हाइट वेरिएबल लिया है उसकी टाइप आपने फ्लोट चूज की है ये बात क्लियर हो गई अच्छा एक बात और याद रखेगा तो जब भी प्रोग्राम आप लिखें उसमें कमेंट्स जरूर डाल दिया करें जस्ट लाइक like, यहाँ पर मैं कमेंट्स देना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या किया आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है डिक्लेयर किया आपने यूजर आईडी वेरिएबल जिसकी टाइप क्या है स्ट्रिंग है याद रखिएगा, ठीक है क्योंकि मोर देन मोर देन वन करेक्टर है इसको हम एज ए स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं इसी तरह से यहां पर देख लीजिए यहां पर आपने क्या इनपुट लिया है डिक्लेयर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आपने और यहां पर आपने स्टूडेंट नेम इनपुट लिया है। ठीक है जनाब और यहां पर आपने डिक्लेयर किया आपने स्टूडेंट एज इंटीजर और यहां पर आपने वैल्प किया है आपने फोर्टीन पॉइंट तो ये आपने कमेंट्स लिखे हैं आपने याद रखिएगा ये कमेंट्स जो होते हैं ये लाजमी लिखा करें इससे फ़ायदा ये होता है कि जो भी बाद में जब इस प्रोग्राम को आप देखेंगे या या कोई भी प्रोग्राम को जब देखेगा तो वो प्रोग्राम की लाइन को वो उसकी जो डिस्क्रिप्शन आपने लिखी हुई होगी तो उसको समझ देख के समझ जाएगा कि किस लाइन पे क्या काम हो रहा है अब यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पर ये यह जो है फोर आ, क्लियर स्क्रीन यहाँ पर जो आपने काम किया वो स्क्रीन क्लियर के लिए आपने कमांड लिखी है दिस कमांड आप यहा सकते हैं आपसे दिस फंक्शन इस फॉर यूज क्लियर द स्क्रीन क्लियर अच्छा यहां पे क्या हो रहा है एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है आप सिंपल लिख दीजिए आप के हेयर डिस्प्ले uh, मैस, मैसेज ईडी ओके जनाब अच्छा यहां पर क्या हो रहा है यहां पर याद रखिएगा यहां पर सिंपल मैसेज डिस्प्ले हो रहा था और यहां पर बाकायदा वैल्यू इनपुट ली जा रही है इनपुट यूजर आई डी डेटा फ्रॉम यूजर कह लीजिए आप या कीबोर्ड कह लीजिए क्लियर तो ये यहाँ पर जो है डेटा इनपुट हो रहा है इसी तरह से आप नेम है एक जगह पे नेम डिस्प्ले हो रहा है उसका मैसेज और एक जगह पे जो डेटा इनपुट किया जा रहा है याद रखिये स्कैन एफ का फंक्शन जो इस्तेमाल किया जाता है वो डेटा इनपुट के लिए लिया किया जाता है और प्रिंट एफ डेटा को आउटपुट करने के लिए ये फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है अच्छा इसके बाद फिर यहाँ पर बाकायदा प्रॉपरली आपने तमाम जो वैल्यू आपने इनपुट ली थी उनको आपने वन लाइन बाय लाइन आपने डिस्प्ले किया है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आप हेयर डिस्प्ले स्टूडेंट इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन क्लियर जनाब तो ये सिंपल सा कमेंट सा। अच्छा याद रखिए इन कमेंट से प्रोग्राम के आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिर्फ प्रोग्राम के लिस्ट में ये आउटपुट आप ये आपने डिस्क्रिप्शन लिखिए ताकि प्रोग्राम को देखकर हम समझ सकें प्रोग्राम किस लाइन पे क्या काम कर रहा है और इसका बेसिक uh, ऑब्जेक्ट क्या है तो प्रोग्राम हमेशा जब भी लिखें तरीके से लिखें सही तरीके से लिखें लिखने का अंदाज भी अच्छा होना चाहिए ताकि प्रोग्राम को ईजली रिडेबल uh, किया जा सके पढ़ा जा सके uh, और अगर कोई इसमें एरर अगर आ रहा है या आ जाएगा तो उसको हम ईजिली हम फाइंड uh, आउट कर सकें और याद रखिएगा जो बैक एन है ये कर्सर को जो है वो न्यू लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं अगर मैं यहाँ एन देखें दो, दो दफा अगर मैं इस्तेमाल करूँगा तो होगा क्या कि जो नेम है नेम और एज के दरमियान बीच में एक लाइन का गैप आ जाएगा क्लियर तो इस बात को ध्यान में रखिएगा आप बैक स्लैश एन जहां भी आप समा करेंगे अगर एक दफा समा करेंगे तो सिंगल लाइन के लिए अगर आप टू टाइम समाल करेंगे तो डबल एन के लिए अगर थ्री टाइम इस्तेमाल करेंगे तो थ्री टाइम uh, के लिए तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इस स्पेशल करेक्टर को आप कहते हैं आपके याद रखिएगा जब भी स्टार्ट करेंगे वो बैक स्लैश से स्टार्ट किया जाता है याद रखिएगा बाद स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि स्लैश और बैक स्लैश बाद स्टूडेंट uh, जो है इस तरह लिख देते हैं तो ये रॉन्ग है इस तरह से मत लिखिएगा कभी भी आप हमेशा इसको बैक स्लैश एन लिखिएगा ओके जनाब सेव करता हूँ प्रोग्राम को मैं दोबारा प्रोग्राम को चलाकर दिखाता हूँ देखिएगा जो भी मैंने कमेंट्स लिखे हैं इसका आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिंपल प्रोग्राम जैसे पहले चल रहा था वैसे ही प्रोग्राम चलता हुआ आपको नजर आएगा इनपुट कीजिए और देखिए जरा कंट्रोल <coughs> एफेंस प्रोग्राम को आ, आपने आपने रन किया यहाँ पे सपोज करें एक रोल नंबर लिख दीजिए सिंपल सी आई टी मॉर्निंग और मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में आईडी लिख रहा हूँ और यहाँ लिख दिया आपने वन ट्वेंटी थ्री एट दी रेट अलीगढ़ डॉट ई डी यू डॉट पी के उसके बाद नाम दे दिया आपने आसिफ उसके बाद एज दे दिया आपने एटीन और जैसे आपने एंटर किया उसने हाइट पूछी फाइव पॉइंट फोर एंट्र करेंगे तो देखें ये आउटपुट आ गया और एज और हाइट के दरमियान जो है एक लाइन का एक्स्ट्रा उसमें जो है गैप आपको मिल गया क्योंकि आपने वहाँ पर जो है बैक स्लैश एंड टू टाइम लिखा था आपने तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था जो मैंने आपको चला के दिखाया है इसमें देख लीजिए वेरिएबल भी आपने डिक्लेयर किए हैं ठीक है उसके बाद आपने एक फंक्शन यूज किया है इनपुट के लिए और प्रिंट एफ, एफ का फंक्शन जो है आउटपुट के लिए, है, है के लिए है. क्लियर इस बात को सही में रखिए अच्छा एक बात और याद रखिएगा आप कि अगर आप यहां पर सपोज करें आप सन एज देते ही नहीं है यहां पर ठीक है आपने सिर्फ एंड दे दिया और यूजर आईडी दे दिया आपने अब आप प्रोग्राम चला के देखें इसका आउटपुट क्या आएगा सी आई टी मॉर्निंग वन ट्वेंटी थ्री ठीक है नेम आपने दे दिया आसिफ एटीन एंड हाइट आपने दे दी आपने सपोज करें फाइव पॉइंट सेवन जैसे आप एंटर करोगे आप देख लीजिए स्टूडेंट आईडी इस लिखा हुआ है और वहां पर जो आईडी है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो याद रखिएगा अगर आप वेरिएबल तो दे रहे हो यूजर आईडी डी डिस्प्ले कर दे लेकिन अगर इसका फॉर्मेट स्पेसिफाई यहाँ डिस्प्ले यहाँ आप नहीं लिखोगे तो वो जो यूजर आई है जो मेमोरी में डेटा पड़ा हुआ है वो डिस्प्ले नहीं होगा तो इस बात को जहन में रखिएगा आप फॉर्मेट स्पेसिफाई लाजमी लिखें ऐसा उसने एरर भी नहीं बताया जो आपको आउटपुट आना चाहिए था जो आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आना चाहिए उसका जो आईडी है वो नहीं शो की तो याद रखिएगा यहाँ पे ऐसा होता है कि बाद स्टूडेंट जो है पर्सन एस लिखना भूल जाते हैं फॉर्म स्पेसिफाई लिखना भूल जाते हैं तो इस चीज को आपने शो करना होगा कि आपने तमाम फॉर्म स्पेसिफाई उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिखे हैं क्लियर तो याद रखिएगा इसने कोई एरर नहीं दिया लेकिन आपका जो यूजर आई डी है वो डिस्प्ले भी नहीं हुआ है तो इस बात को आपने खुद इंश्योर करना होगा कि आप प्रोग्राम किस तरह से या, या, जो मिस्टेक आपने की वो क्या हो सकती है अक्सर स्टूडेंट ये काम कर जाते हैं अक्सर स्टूडेंट ये भी काम कर, जाते कर हैं कि वो करते क्या है कि आपने पर्सन एस डी लिख लिया पर्सन वैसे एन बी सबको लिखा हुआ है लेकिन आपने उसके बाद कॉमे के बाद कोई वेरिएबल का नाम ही नहीं दिया आप। अब क्या होगा अब जरा चेक करें जरा आपने सपोज क्या आई डी दी आपने सी आई टी और यहाँ पे दे रहे हो आप मॉर्निंग uh, एंड uh, 123 ट्वेंटी एट दी रेट अलीगढ़ डॉट ई डी यू डॉट पी के और आपने नाम जो है वो आपने दिया सपोज कर चेंज कर देते हैं उम्र कर देते हैं और एज देते हैं 18 इयर्स और 5.4 पॉइंट कीजिए देखें क्या हुआ अभी भी क्या हुआ उसने कोई एरर शो नहीं किया आपको लेकिन हुआ क्या वेलकम इसके बाद जो नाम आना चाहिए था वो नाम इसने डिस्प्ले नहीं किया और हाइट भी गड़बड़ कर दिया क्लियर तो इस बात को आपने जहन में रखेगा कि डेटा जो है कि आप जो है ये लॉजिकल एरर कहलाते हैं यानी कि प्रोग्राम का जो है वो सेंटेक्स वाइज तो सब कुछ सही लिखा होता है लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके जहां पे लिखनी चाहिए थी, वो नहीं लिखी होती उसको वो प्रोग्राम तो कर, उसको सही कंसिडर कर लेता है लेकिन उनकी वैल्यूज को डिस्प्ले सही तरह से कर नहीं पाता तो याद रखिएगा इस तरह की मिस्टेक्स को आपने खुद ही अपने एक्सपीरियंस से और आपने खुद ही उसको अंडरस्टैंड करते हुए आपने उसको समझना होगा कि हमने क्या मिस्टेक की है या ऐसा क्या ऐसा क्यों हो गया कि नाम जो है डिस्प्ले नहीं हो रहा हमने क्या या तो फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखना भूल गए हैं या हम कोई वेरिएबल का नाम लिखना भूल गए हैं तो इसको देख लीजिएगा इसका वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा ये नहीं बताएगा कि आपने वेरिएबल का नाम यहां पे लिखा नहीं है आपने क्लियर उसने सिंपल मैसेज डिस्प्ले कर दिया वेरिएबल मौजूद नहीं था इसने वैल्यू प्रिंट नहीं की। ओके जनाब तो इसको आपने खुद ही चेक करना होगा प्रोग्राम आप किस तरह से लिख रहे हैं ओके okay जनाब तो Uh, आज हमने जो है इस इन्वायरमेंट से अगर बाहर निकलना चाहें आप फाइल पर जाइएगा और शॉर्टकट की है ऑल्टर एक्स कर दीजिएगा या आप यहाँ पे जाके एंटर कर दीजिए तो आप जो है आईडी से आप बाहर निकल गए और आप वापस विंडोज के अंदर आप आ चुके हैं तो ये कॉन्सेप्ट था कि किस तरह से हम जो है यानी कि एक छोटा सा प्रोग्राम हमने बना के देखा जिसके अंदर वेरिएबल की डिक्लेरेशन भी है वहां पर हमने उनकी टाइप को भी डिसाइड किया कि कौन सा डेटा किस टाइप का होगा उसके मुताबिक हमने टाइप भी चूज़ की फिर उसके बाद हमने जो है बाकायदा उन वेरिएबल्स को अपने इनपुट लेके देखा इनपुट के लिए हमने फंक्शन यूज किया स्कैनएफ़ का स्कैनएफ कैसे लिखते हैं उसका सेंटेक्स क्या है वो हमने आपको बाकायदा करके दिखाया और उसके बाद जो है उनको स्कैनफ करने के बाद हमने उनकी वैल्यूज को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी करके देखा है तो ये छोटा सा एक प्रोग्राम का एक एक आइडिया दिया मैंने आपको और उसी प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको एक छोटा सी चीज स्केप सीक्वेंसेस का एक स्पेशल कैरेक्टर भी बताया जैसे जस्ट लाइक बैक स्लैश एन को इस्तेमाल करने से आपका जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर डिस्प्ले होता है तो इसको भी आप देख लीजिए तो आज इनशाला हमने कुछ चीजें हमने प्रैक्टिकली करके देखी हैं और उम्मीद करता हूँ कि प्रोग्राम देख के आप काफी हद तक मतलब समझ गए होंगे कि प्रोग्राम सी लैंग्वेज में किसी लैंग्वेज में कैसे उसको यूज़ करते हैं कैसे उसमें uh, uh, कमांड लिखी जाती है और जो आपका आईडी माइमेंट है टर्बूसी का उसको भी आपने अभी यूज़ करके आपने देखा तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हाजिर होंगे और uh, uh, जो कुछ नए टॉपिक्स uh, हैं जस्ट लाइक स्केप सिक्वेंसिस है और हम कुछ फॉर्मेटिंग यानी कि और फंक्शन है उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में uh, देखेंगे uh, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़